कांग्रेस महाधिवेशन की आम सभा में 2 लाख लोग जुटेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में पब्लिक कमेटी की बैठक में तय हुआ लक्ष्य। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए रायपुर में तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। 24 से 26 जनवरी तक होने जा रहे महाधिवेशन के अंतिम दिन एक बड़ी जनसभा होने वाली है। इसमें 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य तय हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में रविवार को हुई पब्लिक मीटिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है। यह जनसभा रायपुर के जोरा में कृषि महाविद्यालय के सामने स्थित मैदान में होने वाली है। मध्याह्न भोजन के मेन्यू में बदलाव, अब सोया चिक्की के स्थान पर मिलेंगे मिलेट से बड़े खाद्य पदार्थ। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संबोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट से बड़े सामग्री वितरित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आज तक नहीं देखा होगा एसपी साहब का ऐसा अंदाज। इस मामले पर रोकथाम के लिए सीधे गूगल को लिख दी चिट्ठी। बता दें कि एसपी मोहित गर्ग की पदस्थापना के बाद से ही पुलिस साइबर क्राइम, ऑनलाइन ठगी व चीट फंड के फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुहिम चला रही है, जिसके तहत पुलिस की कई टीमें देश के कोने कोने में छिपे ठगों को ढूंढ निकालने में कामयाबी हासिल की है। आधुनिकता के इस दौर में भागदौड़ से जबरेल दिनचर्या में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की दिनचर्या में शुमार है। ठीक वही से सातिर साइबर लोगों का जाल शुरू होता है और लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग ने ऑनलाइन ठगी के बढ़ते ग्राफ पर नकेल कसने के लिए एक तरीका इलाज किया है। बता दें कि एसपी मोहित गर्ग ने गूगल को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गूगल को भेजे अपने संदेश में आग्रह किया है कि गूगल ऐसे वेबसाइटों की पहचान करे, उन्हें प्रतिबंधित करे और साथ ही वेबसाइट के कॉन्टेक्ट नंबरों की वेरिफिकेशन करे, जिससे आम लोगों के ठगे जाने की अंदेशा खत्म हो। बिना अनुमति प्रदर्शन, हर जिले में FIR, चक्का जाम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर राज्य भर में केस। बता दें कि भाजपा से जुड़े नेताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश भर के जिलों में बस्तर को छोड़कर किए गए चक्का जाम पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए FIR कर दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में सैकड़ों भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग थानों में बलवा और रास्ता रोकने के आरोप में धारा 147 और 341 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। FIR शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन हुए हैं। युवा किसान संसद का आयोजन, किसी भी चीज को पाने आंदोलन एक रास्ता। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिले के ग्राम रिसामा में युवा किसान संसद का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत लोक विधा संस्कृति संस्था द्वारा प्रस्तुति से की गई। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार अब आपकी जमीन छीनने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वह चाहती ही नहीं कि किसानों के पास जमीन बची। अमेजोन से मंगाया सामान, ठग ने लिंक भेज कर किया फ्रॉड, बोला आपका पता गायब है, इस लिंक पर 1 रुपए दीजिए, फिर खाते से उड़ाए 2,69,000। बता दें कि रायगढ़ जिले में रिटायर्ड बिजली कर्मचारी से 2,69,000 रुपए की ठगी हो गई है। उन्होंने अमेजोन से कुछ सामान मंगाया था, इसी सामान के डिलीवरी के नाम पर ठग ने पीड़ित को ठग लिया। कहा कि आपका पता गायब है, एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद उसके खाते से पैसे निकाल लिए। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला थाना क्षेत्र का है। माँ बम्लेश्वरी संत पदयात्रा, पाना बरस से साधुओं ने शुरू की यात्रा, 700 किलोमीटर चलकर 19 मार्च को रायपुर में होगी खत्म। बता दें कि राजनांदगांव जिले के मोहरा ब्लॉक के पाना बरस में माँ बम्लेश्वरी संत पदयात्रा की शुरुआत 18 फरवरी को की गई। इसमें 20 साधु शामिल हुए। यह पदयात्रा 700 किलोमीटर दूर तक चली और 19 मार्च को रायपुर में खत्म होगी। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों, राजनांदगांव के पाना बरस, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, जांजगीर चांपा के चंद्रहासिनी मंदिर और महामाया मंदिर से की गई है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन, पीएससी परीक्षा में धांधली का आरोप। बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने राज्य लोकसभा आयोग की परीक्षा में लगातार धांधली का आरोप लगाया है। परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पुराने बस स्टैंड के पास धरना दिया और नारेबाजी की। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष TS सोनवानी के खिलाफ मोर्चा ने प्रदर्शन किया व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में उनका प्रतीकात्मक पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। शेर के केस में कूद गया युवक, घूमने पहुंचा था, अचानक चला गया अंदर, समय रहते कर्मचारियों ने देख लिया, इसलिए बच गई जान। बता दें कि बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में एक युवक शेर के केस में ही कूद गया। वह जू में घूमने पहुंचा था, इस बीच वह केस के अंदर ही चला गया। राहत की बात यह रही कि शेर उस दौरान दूर बैठा था, कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके चलते युवक की जान बचा ली गई है।
रायपुर के मैदान में रितेश देशमुख ने जड़े चौके छक्के। सीसीएल में चेन्नई राइनो से हारे मुंबई के हीरोज। बता दें कि रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में बॉलीवुड और साउथ के सितारे नजर आए। किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह सिनेमा के सितारे मैच खेलते दिखाई दिए। रितेश देशमुख ने लगाए चौके छक्के। विकेट कीपिंग करते हुए फिल्म मक्खी के विलन खींचा सुदीप आए नजर। स्टडी मटेरियल पाकर खिले बच्चियों के चेहरे। आग से 25 घर हो गए थे जलकर खाक। बुक्स और नोट्स जलने से था एग्जाम का टेंशन। बता दें कि भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर में 2 दिन पहले लगी आग से 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। इसमें लोगों का सारा सामान सहित बच्चियों की किताब और नोट्स भी जल गए थे। इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे आए। उन्होंने सभी बच्चियों के नाम और क्लास नोट करके सभी किताबें और नई कॉपियां सहित स्टडी मटेरियल दिया है। फिर कॉपी किताब पाकर बच्चियों के चेहरे में दोबारा मुस्कान देखने को मिली है। नक्सलियों ने लगाई वाहनों में आग। सड़क निर्माण में लगी 2 JCB और मिक्सर मशीन को फूका। ठेकेदार बिना पुलिस सुरक्षा के करा रहा था काम। बता दें कि कांकेर जिले के धूर नक्सल प्रभावित कोला बेड़ा ब्लॉक में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने शनिवार शाम सड़क निर्माण में लगे 3 वाहनों को आग लगा दी। ठेकेदार नक्सल इलाके में बिना पुलिस को सूचना दिए और बिना किसी सुरक्षा के सड़क निर्माण का काम करवा रहा था, जिसके चलते नक्सलियों ने इस घटना को आसानी से अंजाम दे दिया। बच्चों की लड़ाई में बड़े भी आपस में उलझे। पड़ोसी ने मारा तो पीड़ित पिता पहुंचा थाने। पुलिस ने उल्टा ही कर दी उसी की पिटाई। बता दें कि कोरबा जिले के सीएसबी चौकी क्षेत्र में बच्चों की लड़ाई के बीच बड़े भी आपस में उलझ गए। एक बच्चे ने लड़ाई झगड़े में दूसरे बच्चे के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद पड़ोसी ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी। बस इसके बाद दोनों बच्चों के परिवार वालों में झगड़ा होने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष थाने पहुंच गए। किसान की पेड़ के नीचे दबकर मौत। जिस पेड़ पर चला रहा था आरी, वही किसान के ऊपर आ गिरा। बता दें कि बालोद जिले के ग्राम साकरी में किसान के ऊपर पेड़ गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसान के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। क्राइम पेट्रोल देख नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम। बता दें कि धमतरी जिले के ग्राम भोयना में एक 14 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया था। वही पुलिस द्वारा छानबीन करने के बाद अपहरण की घटना मनगढ़ंत निकली। माता पिता के बीच आए दिन विवाद से परेशान होकर बच्चा अपने घर से चला गया था। आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण अटकी थी नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग में होगी नई भर्ती। क्लास 3 और 4 के 1032 पदों पर मिलेगी नौकरी। बता दें कि आरक्षण विवाद में फंसी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन को जिला अस्पतालों CSC और PSC में क्लास 3 और 4 की 1000 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से राहत मिली है। यह भर्ती कलेक्टर दर पर यानी दैनिक वेतनभोगी के तौर पर जिला स्तर पर होनी है। इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। छत्तीसगढ़ में 1-2 दिन में बदल सकता है मौसम। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हवा में चक्रवात मौसम शुष्क। प्रदेश में बढ़ने लगी है गर्मी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी हवा में चक्रवात बना हुआ है। प्रदेश में मौसम शुष्क है। रात के तापमान में वृद्धि होने के कारण ठंड में कमी आने लगी है। दिन में भी पारा सामान्य से ऊपर होने के कारण हल्की गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अगले 1-2 दिन में मौसम में विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। तापमान में थोड़ा बदलाव हो सकता है। रात के तापमान में प्रदेश के सभी जगहों में वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। रायपुर बिलासपुर पेंड्रा रोड और अंबिकापुर सहित कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य और उससे ऊपर पहुंच गया है। अमृत महोत्सव में जमकर झूमे विधायक कमरो। जस गीतों और भारत जोड़ो यात्रा के थीम सॉन्ग पर किया डांस। कलेक्टर ने बताया गरीबों का मसीहा। बता दें कि मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में अमृत धारा महोत्सव चल रहा है, जिसमें शनिवार को विधायक गुलाब कमरो जमकर नाची। जस गीत गायक दिलीप सड़ंगी के जस गीतों पर विधायक झूम उठे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के थीम सॉन्ग पर डांस किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद थी। मुआवजे में मनमर्जी। गलत खातों में डाल दी रकम। 33 किसानों के 25 लाख रुपए गायब। बता दें कि शहर में एबिलेटल रेल टैग परियोजना और नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान टावर लगाने और बिजली के तार खींचने के नाम पर किसानों के मिलने वाले मुआवजे में भारी गड़बड़ी बरती गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण जमीन मालिक के बजाय गलत खातों में मुआवजे की राशि जमा करने और किसानों को मिलने वाली रकम के बंदरबांट का खुलासा हुआ है। गंडासे से लड़की पर हमला। पहले जख्मी किया फिर बाल पकड़ कर घसीटा। नाबालिग की मां से बोला था आरोपी मुझे अपनी बेटी दे दूं। बता दें कि रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। एक सिरफिरे व्यक्ति ने गुस्से में आकर नाबालिग लड़की पर ताबड़तोड़ गंडासे से हमला कर दिया, जिससे लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई। खून से लथपथ सड़क पर पड़ी चिल्ला रही थी। इधर बदमाश बाल पकड़ कर लड़की को सड़क पर घसीट रहा था। इस दौरान आरोपी ने अपने ऊपर भी हमला किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दहाड़ से दहशत बाघों को फिर से खदेड़ा बिहारपुर के 6 से अधिक गांव तक पहुंच रहा बाघ। बता दें कि सूरजपुर जिले के हिस्से में आने वाली गुरुघासीदास नेशनल पार्क के जंगल से पिछले एक सप्ताह से बाघ निकलकर बस्ती और उसके आसपास पहुंच रहा है। इसके पीछे की वजह जंगल में बाघ के पीछे शिकारियों के पड़े होने की जानकारी मिल रही है। करीब 10 शिकारी बाघ के पीछे तीरधनुष से लैस होकर घूम रहे हैं। इससे बाघ को खतरा है तो वही बाघ के बस्ती में आ जाने से ग्रामीण उसे मसाल लेकर खदेड़ रहे हैं, लेकिन अफसर न तो बाघ की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और न ही ग्रामीणों को लेकर। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 60 लाख की ठगी, गूगल और यूट्यूब से सीखा ठगी का तरीका। बता दें कि बिलासपुर में क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने का झांसा देकर 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने लोगों को फंसाने के लिए पहले गूगल और यूट्यूब से क्रिप्टो करेंसी चलाने का तरीका सीखा, फिर लोगों को अपना शिकार बनाया। झांसा देने के लिए उसने शुरुआत में कुछ लोगों को पैसे भी कमाए, इसके बाद 60 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। शिवरात्रि मेले से लौट रही ट्रैक्टर ट्राली पलटी, 3 की मौत। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही तोड़ा दम, बुजुर्ग महिला की अस्पताल में गई जान। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के शंकर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली के अनियंत्रित होकर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 80 साल की बुजुर्ग महिला ने बिलासपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। करीब 30 ग्रामीण घायल है, इनमें से गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है। सभी महाशिवरात्रि का मेला देखकर वापस लौट रहे थे। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र की है।